दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं रितु रिबा जो है वो इंडियन आइडल में नहीं है और उनके इंडियन आइडल से निकलने के बाद जो है बहुत सारी बातें हमारे सामने आई। जैसे कि हमने देखा कि जो इंडियन आइडल है उसको बॉयकॉट करने की बहुत ज्यादा मांग हमारे नॉर्थ ईस्ट में उठ रही है और उसके साथ साथ सिर्फ इंडियन आइडल को नहीं बल्कि सोनी टीवी को बॉयकॉट करने की बात चल रही है। उसके साथ साथ यूट्यूब में कई सारे ऐसे वीडियोस मौजूद है जिसमें रितु रिबा से रिलेटेड बहुत सारी बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि जो विशाल ददलानी है जो कि इंडियन आइडल के जज भी हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि वो विशाल को जो है वो सिंगिंग में चांस दे रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मौजूद है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो जुबिन नौटियाल है उन्होंने रितु रिबा को अपने साथ गाने के लिए बुलाया है। तो दोस्तों क्या है ये सारी बातें, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताओ कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ अगर आप चाहते हो मेरे व्लॉग्स देखना, मेरे व्लॉग्स में आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं रितु रिबा जो है वो इंडियन आइडल से वो एलिमिनेट हो चुके हैं। एलिमिनेट होने के बाद उन्होंने जो है एक अपना इंस्टाग्राम में एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें कि वो अपने लोगों को बता रहे थे, उनके फैंस को बता रहे थे कि प्लीज दुखी मत होइए, देखिए जो किस्मत है उसमें जो लिखा होता है वही होना है होता है, और उसके साथ साथ मेरे किस्मत में क्या लिखा है वही मेरे साथ होगा। इस तरीके का उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है, बहुत ही लंबा पोस्ट है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और वहीं पर जो विशाल ददलानी है जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है, इंडियन आइडल में जज भी थे, उन्होंने वहां पर नीचे कमेंट किया है। उसी कमेंट को कोट करते हुए बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि विशाल ददलानी जो है वो हमारे जो रितु रिबा है, रितु रिबा को प्लेबैक सिंगिंग गवाने वाले हैं, मतलब कोई गाना गवाने वाले हैं, किसी मूवी में गाना गवाने वाले हैं, इस तरीके की बात निकल करके आ रही है। तो वो जो कमेंट उन्होंने किया है उस कमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि वो जो है विशाल ददलानी वो हमारे रितु रिबा को जो है वो प्लेबैक सिंगिंग में चांस देने वाले हैं, इस तरीके की कोई भी बात वहां पर नहीं लिखी है। तो ये जो मीडिया पर चल रहा है ना, यूट्यूब में चल रहा है, ये सब बातें उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही है। उसमें जो है विशाल ददलानी ये कह रहे हैं कि जो है वो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई गाना वगैरह कंपोज करेंगे या फिर उसको बनाएंगे तो उसमें वो उनकी मदद करने वाले हैं, इस तरीके की बात उसमें लिखी गई है, मतलब हेल्प की बात की गई है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मैं जो हूं मैं क्या करने वाला हूं, मैं रितु रिबा को प्लेबैक सिंगिंग में चांस देने वाला हूं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। दूसरी बात, जो जुबिन नौटियाल है, जुबिन नौटियाल की तरफ से ऐसा कहा गया जिसमें ये कहा जा रहा है कि जुबिन नौटियाल ने कहा है कि वो रितु रिबा के साथ गाना गाने वाले हैं, एक साथ दोनों गाना गाएंगे, मैं तुम्हें गाने के लिए बुलाऊंगा, इस तरीके की जो बातें चल रही है ये सब बातें भी मुझे अभी तक कहीं भी इसका प्रूफ नहीं मिला है जिसमें जुबिन नौटियाल ने ये कहा हो कि रितु रिबा और मैं साथ में गाने वाले हैं। तो ये जो यूट्यूब में इस तरीके की बातें चल रही है, ये सारी बातें जो है वो रितु रिबा के नाम पर व्यूज लेने के चक्कर में चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये देखो, जब भी इंडियन आइडल से कोई बाहर होता है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होता है, उसकी उसके आवाज में अगर मिठास होती है, तो हमने कई बार देखा है कि ऐसे जो सिंगर है उन सिंगर्स को प्लेबैक सिंगिंग में, मतलब मूवीज वगैरह में गाने का चांसेस जरूर मिलता है, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स है। और हमने ये भी देखा है कि जो इंडियन आइडल का चैंपियन होता है, मतलब जो विनर बन करके निकलता है, वो हमें कहीं भी नजर नहीं आता है। जैसे कि पहले एक जो इंडियन आइडल के विनर हुआ करते थे जिनका नाम अभिजीत सावंत था, वो अभिजीत सावंत आज के डेट में आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे सिंगर थे जिन्होंने इंडियन आइडल को जीता था, वो आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन वो लोग जो रिजेक्ट हो चुके हैं इंडियन आइडल से या फिर किसी और रियलिटी शो से, वो आज के दिन में बहुत बड़े बड़े सिंगर बनकर के आपके सामने नजर आ जाएंगे। जैसे कि आपके सामने इंडियन आइडल में आपको जज के रूप में नेहा कक्कड़ दिखाई देती है, वो भी एक बार रिजेक्ट हो चुकी है। उसी तरह से जुबिन नौटियाल, उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया था
उनको भी ये कहकर निकाल दिया गया था कि भाई आप में वो बात ही नहीं है। लेकिन आज के डेट में जुबिन नौटियाल बहुत सारे लोगों के दिल में राज करते हैं, और उसी तरह से आज के समय में हमारे प्यारे रितो रिबा के साथ भी यही हुआ है। और रितो रिबा जो है वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो जो है वो प्लेबैक सिंगिंग में जरूर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी बात में ना उनकी उनके आवाज में एक अलग सा मजा है, एक अलग सा प्यार आता है उनकी आवाज को सुनकर। तो ऐसे जो सिंगर है वो प्लेबैक सिंगिंग में बहुत ही ज्यादा आगे जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से रितो रिबा ने जो एक पोस्ट शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम में, जिसमें वो लोगों को बता रहे हैं कि मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मुझे मिलना है, वही मेरे साथ होना है, तो उनकी बातों को सुनकर के भी ऐसा लगता है कि जो रितो रिबा है उनको प्लेबैक सिंगिंग में चांसेस मिलने वाले हैं। या तो रितो रिबा के साथ इस तरीके की बात जरूर हुई होगी जिसमें उन्हें यह कहा गया है कि आपको जो है वो प्लेबैक सिंगिंग करना है। और देखिए इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी कहीं लगता है कि रितो रिबा को जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री देकर के इंडियन आइडल में दोबारा से बुलाया जाएगा। तो भाई यही सारी बातें थी जो कि YouTube में हमने देखा है कि जो फेक बातें फैलाई जा रही थी, और मैंने सोचा कि ये सारी बातें आपके साथ क्लियर कर दूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। देखो इन सारी बातों में अभी तक कोई भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है दोस्तों। तो यही बताने के लिए वीडियो बनाया था, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे बातों से सहमत हो तो लाइक करके कमेंट करके आप क्या सोचते हो जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो से बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ भाई अगर आप चाहते हो मेरे व्लॉग्स देखना, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी चेक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।